सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हजरत टीपू सुल्तान उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम हमारे पूरे लीडर्स आए थे, लीडर्स का आज हमें टीपू सुल्तान चौक में जयंती आचरण करें, आसोब भी मिला को आए थे हमें। ये हमारे टीपू सुल्तान देश के वास्ते अपने बच्चों को गिरो रख को देश बचाए, ये क्या मामूली काम नहीं है। ये आज के थोड़ा बीजेपी वाले ये सब मिला 40 वर्ष के अंदर आयस वाले बोलते हैं। टीपू सुल्तान क्या करे, जाको श्रीरंगापट्टन में देखो क्या कर रहे उन्होंने करने का, आने का 40 वर्ष में आए हैं, आपको क्या करे कर को। रहे तक ब्रिटिश वाले डरे थे, आज रहे तक बीजेपी के 4 लीडर डर रहे हैं। बाकी के सब टीपू सुल्तान जयंती करते हैं, सब भी मिला। सर कांग्रेस की हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत रद्द करी थी, क्या कांग्रेस हुकूमत भी डर रही है बीजेपी वालों को? क्या भी डरती नहीं, आज हमें कर रहे हैं इंशाल्लाह में, और आते बार इसकी ज्यादा करते हैं। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इसके वास्ते हमें हमारे सरकार को बोलते हैं, पूरे हमारे पुस्तक में माना टीपू सुल्तान जयंती परमिशन देना, रैली करना, ये सब करने के वास्ते हमें सब ये मिलको करते हैं। क्या लोग उम्मीद लगाएंगे अगली बार सरकार की ओर से टीपू सुल्तान मनाया जाएगा? करेंगे इंशाल्लाह, जाको हमें मनवी देखो मिलको कर, 100% हमें वोट बात है, हमारी जयंती करने देना कर को। हमारे दोनों उस वाले मिनिस्टर को बोलते हैं, पूरे एमएलए को बोलते हैं, सीएम को बोल को हमें इंशाल्लाह करेंगे। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 274वां जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए तमाम लोगों को मैं आज आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनकी चौक बीजापुर में यहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और तमाम लोगों ने यहां पर शिरकत फरमाकर हमारे बीजापुर के मोतबर शख्सियत यानी के लीडर्स तमाम मौजूद थे। उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान की सीरत और उनका इतिहास बताए थे, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया कि हजरत टीपू सुल्तान ने देश के लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो आए हुए तमाम मेहमान भी और यहाँ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत भी और ये पूरा कार्यक्रम एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से मनाया गया। तो इसके अंदर टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रह के इस जयंती को जैसे हर साल मनाते थे, इस साल भी मनाया है, तो हर साल हम मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो तमाम लोगों का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए टीपू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। इरफान शेख।